युवा शक्ति संगठन सुपेला भिलाई के बैनर तले एक बार पुनः सुपेला भिलाई स्थित शराब दुकान को हटाने आवाज बुलंद की गई है, जिसके तहत गदा चौक सुपेला से घड़ी चौक तक मशाल रैली निकालकर राज्य सरकार से शराब दुकान को हटाने गुहार लगाई गई। मशालें जल चुकी हैं और इन मशालों को हाथों में थामे युवा संगठन शक्ति का काफिला निकल पड़ा है कि सुपेला में स्थित शराब भट्टियों को मुख्य सड़क से हटाया जाए, क्योंकि इन सड़कों पर आवागमन करने वाले और इन सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालक हर रोज परेशान होते हैं। इसके पूर्व भी ऐसे ही आंदोलनों के जरिए खुर्सीपार और जामुल की शराब भट्टियों को हटवाया गया था। सुपेला के गदा चौक से लेकर घड़ी चौक के बीच दो शराब भट्टियां हैं, जिसकी वजह से इस मार्ग पर आवागमन करना काफी मुश्किल हो जाता है। शाम के वक्त तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, जिसे देखते हुए युवा शक्ति संगठन और क्षेत्रवासियों के द्वारा शनिवार को मशाल रैली निकालकर शासन प्रशासन से गुहार लगाई गई कि इस शराब भट्टियों को अन्यत्र जगह विस्थापित कर दिया जाए। भिलाई शहर में कई और शराब की दुकानें ऐसी जगह पर स्थित हैं जिसके आसपास रिहायशी इलाका मौजूद है। ऐसे शराब भट्टियों को हटाने की मांग एक लंबे समय से क्षेत्रवासियों और सामाजिक संगठनों के द्वारा की जा रही है। शनिवार को हुई मशाल रैली को लेकर युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष मदन सेन एवं धनेश्वरी साहू ने ग्रैंड एशिया न्यूज टीम को जानकारी दी और कहा कि अगर जल्द सुपेला स्थित शराब दुकानों को नहीं हटाया गया तो यह आंदोलन और उग्र होगा। यहाँ बहुत सारी दिक्कत की सामना करना पड़ता है। यहाँ सबसे बड़ी महिलाएं हैं और यहाँ की बच्ची है स्कूल वाली, वो यहाँ से आना जाना पसंद नहीं करती है। कुछ बच्चों को तो यहाँ छेड़ लेते हैं पीकर शराबी लोग, और यहाँ दोनों वार्ड में ऐसा आतंक मच गया है शराबियों के। महिला घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती है। आप शीतला तालाब देख रहे हो, वहाँ तो चौखट जमा रहता है शराबियों का, यहाँ से खरीदते हैं वहाँ पीते। अब ये रोड में सब्जी लेना मुश्किल है, आप देख रहे हो लक्ष्मी मार्केट कितना दूर है। महिलाएं डर के मारे नहीं निकल पा रही। अगर इतने विरोध के बाद भी शराब भट्टी नहीं हटेगी तो क्या होगा आगे, क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन सारा चीज करेंगे, सड़क पर आएंगे। इसके लिए हम लोग छोड़ेंगे नहीं जब तक नहीं। जैसे कि अभी कुर्सी पार का हटा है, जामुन का हटा है, यहाँ की दिक्कत है हटाने में, यहाँ भी हटाया जाए। ये सुपेला शराब भट्टी का मामला है, इसमें व्यापारी लोगों और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय निवासीगण हैं, व्यापारीगण हैं, छात्र लोग हैं, लगातार शासन से मांग कर रहे हैं कि इस भट्टी को अन्यत्र हटा दिया जाए, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है, सुपेला क्षेत्र का मुख्य मार्ग है। यहाँ व्यापारियों का आना जाना है, आम पब्लिक का आना जाना है, एम्बुलेंस यहीं से आना जाना है, बच्चों का आना जाना है। इसके बाद भी इतना ज्ञापन देने के बाद भी शासन आज तक इसमें विचार नहीं किया है, ये बहुत बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि इसको तत्काल जनहित में हटाया जाए और अतिशीघ्र हटाया जाए। क्या दिक्कतें आती हैं? बहुत सारी दिक्कतें हैं, एम्बुलेंस की दिक्कतें हैं, बच्चों को आने जाने की दिक्कतें हैं, पालक अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाता, व्यापारी अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग अपने परिवार को घुमा फिरा नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। इन शराब दुकानों को हटाने के लिए आंदोलन उग्र हो, उससे पहले शासन प्रशासन को इन्हें अन्यत्र जगह विस्थापित करने की पहल करनी चाहिए, ताकि समाज में शराब की वजह से बढ़ रही परेशानियों को थोड़ा कम किया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।